अध्यापक साथियों ते प्यारे बच्चों प्यार प्री सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्कूल न्यूज़ ते। ते प्यारे बच्चों फस्ट तो लैके फिफ्थ तक के जिहड़े सारे दे सारे प्राइमरी क्लासां दे फाइनल पेपर चल रहे है ते आपां डेली पेपर वाइज जिहड़ियां मॉडल पेपर दियां वीडियो अपलोड करते हैं ते इन्हां मॉडल पेपर दे विचों काफ़ी पेपर जिहड़ा देखण नूं मिलदा है बच्चे नूं हैल्प मिल जांदी है किद्दां दा पेपर आउणा वा किद्दां दा नहीं आना दे पेपर दे विच की चीज़ां होनियां की असी याद करना वो सारा कुछ जिहड़ा इत्थों श्योरिटी हो जाती है। तो जिहड़े अध्यापक साथी अपने चैनल नूं देखदे आ उन्हां नूं बेनती है भी ये बच्चों के ग्रुप च वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो तां जो बच्चे घर तो ही पेपर दे स्ट्रक्चर नूं समझ सकन। ये उही मॉडल पेपर है जो कि वर्कशीट के तौर पर डिपार्टमेंट ने ही जारी किए सी ते इस करके आपां बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। तो हुण आपां करांगे हिंदी का सैंपल पेपर वन ते नाल दी नाल ही आपां थोड़ी देर बाद सैंपल पेपर टू भी अपलोड कर देंगे दोनों वीडियो तुसीं देख के जाओ पेपर दे विच जरूर हैल्प मिलेगी। तो हुण आपां करदे हां सैंपल पेपर वन हिंदी का पेपर है जिहड़ा कल 13 तरीक नूं ते पंजवीं दे पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं EVS दे वो तुसीं देख सकदे हो। तो जो प्रश्न पत्र 2024 कक्षा चौथी विषय हिंदी विद्यार्थी का नाम लिखना है अपनी कक्षा लिखनी है रोल नंबर लिखना है उसके बाद में समय 3 घंटे का और कुल अंक 80 होंगे इसमें भी। तो 5 नंबर ये सुंदर लिखाई के होंगे और बाकी सब पार्ट वाइज हैं। फर्स्ट में जो पैरा होगा 5 नंबर का होगा जिसमें से 5 क्वेश्चन आंसर होंगे। पहले आपको पैरा पढ़ना है पढ़कर इसमें से जेड़े प्रश्नों के उत्तर दें। रसोई घर में चांदनी की माँ मीना खाना और खीर बना रही थी आसमान में चांद दिखाई दे रहा था पिताजी और चाचा जी कमरे में बैठे थे उसने छोटे भाई बहन अमन और राकेश स्कूल से मिला काम कर रहे थे माँ ने मीना को आवाज़ दी मीना अपनी सहेली संगीता के साथ खेल रही थी माँ ने मीना से सबको खाने पर बुलाकर लाने को कहा। तो अब इसमें से क्वेश्चन करेंगे पहला रसोई घर में कौन बैठा था रसोई में चांदनी की माँ मीना खाना बना रही थी कौन रसोई घर में कौन बैठा था तो चांदनी की माँ मीना बैठी थी ठीक है। उसके बाद आसमान में डैश दिख रहा था तो क्या दिख रहा था चांद चांद दिख रहा था। फिर अगे माँ ने डैश को आवाज़ दी माँ ने किसको आवाज़ दी माँ ने मीना को आवाज़ दी मीना को आवाज़ दी किसको आवाज़ दी मीना। उसके बाद मीना अपनी सहेली संगीता के साथ खेल रही थी माँ ने ये तो हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है ए की मात्रा खाने में प्रयोग की गई है और उसके बाद माँ का नाम क्या था माँ का नाम क्या था चांदनी चांदनी था ना मीना तो उसकी बेटी बोला जा रहा है चांदनी की माँ मीना खाना बना रही थी तो माँ चांदनी की माँ मीना खाना बना रही थी तो माँ का नाम क्या हो गया मीना। तो अगे 16 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न है टिक मार्क वाले इसमें से देखना है पिताजी मोहन के लिए डैश लेकर आए तो देखो नीचे खिलौने लिखे पड़े हैं ना तो क्या लेके आए खिलौने तो क्या लेके आए खिलौने। आगे है दिए गए शब्द जोड़ों में से सही शब्द चुने तो पुल पुल कौन सा है फर्स्ट वाला। आगे 3 नंबर पे ह वर्ण से शुरू होने वाले तस्वीर चुने ह से क्या हंस इसको टिक कर देंगे। उसके आगे 4 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के समूह में से भिन्न शब्द बताएं तो पालक आलू करेला ये सब्जी है तो केला जो है वो फल है इसलिए ये भिन्न है इनसे। चित्तर पहचान कर सही वर्ण भरकर शुद्ध शब्द पूरा करें तो श लगाकर शहद बनेगा तो ये हो गया। उसके बाद में चित्र पहचानते हुए सही वर्ण भरकर उचित शब्द बनाएं तो नृप राजा होता है तो नृप भरेंगे इसमें लिख देंगे तो ये शब्द बन जाएगा नृप ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर र
निम्नलिखित किन वर्णों के मध्य में आता है? य र ल, तो ए इन दोनों य और ल के मध्य में आता है। तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं। डैश आकाश में उड़ रहा है, तो कौन? हंस, ये तो हंस होता है, हंस, और दूसरे वाला हंस सही है। उसके बाद डैश नाच रहा है, मोर नाच रहा है, दूसरे वाला। मतलब ब पंजाबी वर्ण हिंदी में कैसे लिखते हैं? ब, क्यों, कौन से शब्द में ड का प्रयोग नहीं हुआ है? तो चंडीगढ़ में ड का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि ये तीनों में ड का प्रयोग हुआ है। उसके बाद 13 नंबर, डैश एक पक्षी है, क्या है? मैना, तोता और मैना होता है ना, तो मैना एक पक्षी है। तस्वीर देखकर बताएं कि उपयुक्त वर्ण कौन से वर्ण के बाद में लिखा जाता है, कौन से वर्ण के बाद में? चलो ये थोड़ा अपनी बुक से कंफर्म कर लेना। उसके बाद ल वर्ण से शुरू होने वाली तस्वीर पर सही का निशान, ल से लाटू। उसके बाद निम्न तस्वीर का नाम किस वर्ण से शुरू होता है? द, धनुष। उसके बाद हाँ, कहे अनुसार छूटे हुए अक्षर लिखते हुए वर्णमाला पूरी करें, तो ये वर्णमाला आपको पूरी करनी है। इसके 6 अंक मिलेंगे आपको, वर्णमाला आप अच्छे से देख के इसको पूरा कर लेना। आगे आएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार तरतीब में लिखें। शब्दकोश के अनुसार अगर तरतीब में लिखेंगे तो सबसे पहले ये आएगा अटकन, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कलम आएगा, 3 नंबर पे मटर आएगा, 4 नंबर पे रत्न आएगा, तो 5 नंबर पे लटकन आएगा। तो ये सारे लिख लेने हैं। उसके बाद इसको तरतीब में करना है, किताब रही है पढ़ मीना, तो क्या आ जाएगा? मीना, किताब पढ़ रही है। ये सेंटेंस पूरा कर लेना है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए शुद्ध शब्दों को हिंदी में लिखना है, तो दूध। उसके बाद थैला आ जाएगा। उसके बाद किताब। उसके बाद एक। उसके बाद रुपया। उसके बाद तारा। बाद गुलाब। तो ये आपके हिंदी वर्ड हो गए। उसके बाद तुक मिलाना है, एक, अनेक, चार, कार, सात, बात, काम, आम, आना, जाना। तो ये सारे तुक मिल गए। उसके बाद में ये आ जाएगा जिसमें मात्रा लगाकर ये शब्द करने हैं। इसमें क्या है, जराब, ज को ऊ की मात्रा लगा के तो क्या बन जाएगा? जुराब, यू की मात्रा लगा दी। फिर समोसा, ओ की मात्रा लगानी है इसमें, समोसा बन जाएगा। उसके बाद में फिर माँ को ए की मात्रा लगानी है, मैदान, ठीक है, मैदान बन गया। उसके बाद धोबी को ध को ओ की मात्रा लगानी है, धोबी हो गया। उसके बाद आँख पे चंद्र बिंदु वाली मात्रा लगानी है, आँख हो गया, ठीक है। उसके बाद कृषि वाली मात्रा लगानी है इस पे, ऋषि वाली, ठीक है, तो ये लिख लेना। उसके बाद में आ जाएगा गाय दूध देती है, दूसरे वाला, हमारे देश का डैश झंडा, पहले वाला। इसके बाद में इसमें चिड़िया, दूसरे वाला, चिड़िया उड़ रही है, झुमके, दूसरे वाला। उसके बाद ट वर्ण के बाद ट, ठ, ल वर्ण के से पहले कौन पहले आते? य, र,
क्योंकि माँ वर्ण से वर्ण के मध्य आता है, किस किस के मध्य आता है, प फ ब भ म, क्या लिखोगे, भ म य, भ और य के बीच में आता है। उसके बाद रोमा डैश पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, किताब, सबसे लास्ट वाला। तो होली एक त्यौहार है। उसके बाद सही वर्ण चुनकर उचित पक्षी जानवर का नाम बताएं, कोयल, हाथी, शेर, ये सारे टिक कर लेना और इसको जोड़ के लिख देना, ऐसे ऐसे ये लगा देना, इसमें ये लगा देना, इसमें को लगा देना, ठीक है, मैंने टिक करवा दिया, आप लिख लेना। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में से छोटे छोटे वाक्य बनाएं, पेड़, हमारे घर एक पेड़ है, ठीक है। दूसरा मिठाई, मैंने मिठाई खाई, मैंने मिठाई खाई। किताब, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। फिर हवा, क्या लिखोगे, शुद्ध हवा, लिख लो ऐसे, लिख दो, हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है। ये हो गए। इसके बाद में लास्ट में इनको भरना है, खालिस्तान को। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर रोज सुबह डैश करनी चाहिए, कसरत। उसके बाद सुबह के समय डैश हवा मिलती है, ताजी, उसके बाद ताजी हवा डैश के लिए लाभकारी होती है, सेहत के लिए। उसके बाद इससे हमारा तन निरोगी रहता है, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए। इसके बाद ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर भी जल्दी करेंगे अपलोड। ये दोनों वीडियो आप देख के जाओगे तो आपको हिंदी का पेपर इसी में से देखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और अध्यापक साथी अपने बच्चों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।